अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरी वन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट मीटिंग द ब्रिटिश बाय फाउल मालडून बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इस पोएम में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑथर फाउल मालडून की फैक्ट्स सेटिंग पोम ट्रांसलेशन थीम और लास्ट में सिम्बॉलम सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्ट पॉल मॉल डून जो कि एक आयरिश पोइट है और इसने थर्टी से ज़्यादा कलेक्शन ऑफ पोएम जो है पब्लिश कराए हैं इसकी डेट ऑफ बर्थ ट्वेंटी जून नाइनटीन फिफ्टी वन में पोर्टल डाउन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी एंड ही स्टिल अलाइव हिज एज इज़ सेवेंटी ईयर्स सो ही इज़ द ऑथर ऑफ नंबर ऑफ पोइट्री कलेक्शन जिन में आते हैं वेदर नाइनटीन सेवेंटी थ्री में वाई ब्रॉनी ली Brownlee left nineteen eighty. Coev nineteen eighty three. Meeting the British nineteen eighty seven. Which we will discuss New selected poems nineteen sixty eight to nineteen ninety four nineteen ninety six. Hey nineteen ninety eight. Moise sand and gravel two thousand two. This poem. got this prize The Politizer Prize and the Griffin Poetry Prize. All latitudes. 2006 may and most recently 1000 Things Worth Knowing, 2015 may. Selected poems 1968-21042016 and Frolic and Detour 9 2019. And he has also published collection of criticisms, जिसमें children's book, opera liberty opera liberty Simrod a book containing the words of an opera, or extended piece of music. उसके बाद सॉन्ग लिरिक्स इसने पब्लिश कराए थे वर्क्स फॉर रेडियो एंड टेलीविजन मींस इसमें भी इसने अपनी पब्लिकेशन दी थी एजुकेशन की बात करें क्विंस यूनिवर्सिटी पेल फास्ट 1969 टू 1973 और स्पाउस में जेन कॉर्लेट्स मैरिड जो इसने इसके साथ शादी की थी 1987 में एनी मैरी कॉनवे मैरिड नाइनटीन सेवेंटी थ्री टू नाइनटीन सेवेंटी सेवन एवार्ड जो इसे मिले थे उसमें पुलिथिजर प्राइज फॉर पोइट्री एगेम फेलोशिप फॉर क्रिएटिव आर्ट्स यूएस एंड कैनाडा शेक्सपियर प्राइज इसे मिला था सो so, और पॉल मोल्टून की जो पोइट्री है उसे जाना जाता है एज अ फेराडॉक्स फेराडॉक्स से मुराद क्या है एक ऐसा स्टेटमेंट जो कॉन्ट्रीडेक्ट्री हो जिसमें तजाद हो बट अ फोन रिफ्लेक्शन दैन मेक्स सेंस और इसके जो पोएम्स हैं वो हैं प्लेफुल, प्लेफुल से मुराद किया है कि फुल ऑफ फन एंड हाई स्प्रेड्स लेकिन सीरियस भी है और इकलूजव बट डायरेक्ट और इनोवेटिव बट ट्रेडिशनल होते हैं और ये जो है ही यूज़ ट्रेडिशनल वर्स फॉम्स सच एज़ दोनेट बैलेट एंड रोमेटिक मोनोलॉग लेकिन बाद में चेंज करते हैं देयर लेंथ एंड बेसिक स्ट्रक्चर एंड यूज राइम एंड मीटर इन इनोवेटिव वेज हिज वर्क इज़ आल्सो नोटेबल फॉर इट्स लेयर यूज़ ऑफ कंसीट कंसीट मीन्स के दो मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाना एलुजन और इसमें एलुजन भी यही क्योंकि मीन्स पासिंग रेफरेंस और इनडायरेक्ट मैंशन किसी चीज़ को इनडायरेक्टली मैंशन करना उसको एलुजन कहते हैं तो इसकी पोइट्री में आपको कंसीट एल्यूजन और विट भी मिलेगी मॉलून हिम सेल्फ हेजाइटेड लिरिक पोइट्स सच एज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट डेलियन थॉमस एंड लोइस मैकनीस एज हिज मेजर इन्फ्लुंस तो इनसे ये इन्फ्लुंस थे वन ऑफ देंगे मेम्बर ऑफ आ नॉर्थर्न आयरश पोइट्स तो ये एक यंगस्ट मम्बर था किसके नॉर्थर्न आयरिश पोइट्स के जिसमें इसके साथ शेमस हैंनी और माइकल लॉन्गले भी थे इसके साथ एंड डार्क मा हून हु गेन प्रोमिनंस इन द 1960s सिक्सटीज़ एंड नाइनटीन इनको फिर जो पॉपुलरिटी मिली थी नाइनटीन सिक्सटीज़ और नाइनटीन सेवेंटीज़ के बीच में मॉलून स्टडीड विद हैनी मीन्स शेमस हैनी एज स्टूडेंट एट क्विंस यूनिवर्सिटी इन बेल फास्ट इन नाइनटीन सेवेंटी वन एट द एज ऑफ नाइनटीन उन्नीस साल की उम्र में मॉलून ने जो है कम्प्लीटेड मीन्स अपने जो एक फर्स्ट शॉर्ट uh, कलेक्शन था वो कंप्लीट किया था जिसका नाम था नोइंग बाई प्लेस और उसके दो साल बाद ही पब्लिश्ड न्यू वेदर तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था अबाउट ऑथर फाउल मोलडून के बारे में सो so, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके की फैक्ट्स की फैक्ट्स में सबसे पहला पॉइंट ये फिफ्थ कलेक्शन ऑफ़ वर्स है जो मेटिंग द ब्रिटिश है ये फिफ्थ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं फाउल मॉलून का इसको पब्लिश कराया गया 1987 में और इसका जो टाउन है वो ट्रेजिक टाउन है ट्रेजिक सेवनाथ अलमनाक और ये 18 लाइन का पोएम है और इसमें जो है दो लाइंस जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में है और इसके साथ इसके जो है नाइन स्लेंट राइम्ड का है तो ये इसके की फैक्ट्स हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेटिंग तो इस पोएम को पब्लिश कराया गया था 1987 में और इसकी जो सेटिंग हुई थी वो एटीन सेंचुरी नॉर्थ अमेरिका में हुई थी देखो इस पोएम में अगर देखा जाए तो ये एक वाक़े को भी रिप्रेजेंट करता है मींस जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो ब्रिटिश कमांडर उनसे मिलते हैं उन मीट एन ओठवन ओठवन ट्राइब एक ओठवन ट्राइब से ब्रिटिश कमांडर्स जो हैं मिलते हैं और उन्हें ब्लैंकेट्स देते हैं जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो इन्फेक्ट होते हैं स्मॉल फॉक्स से स्मॉल फॉक्स या ये एक डिज़ीज़ है तो वो ब्लेंट्स जो है इन्फेक्ट होते हैं जो कंबल होते हैं वो इन्फेक्ट होते हैं इन स्मॉल फॉक्स से इन 1763 में ये इवेंट जो है हुआ था ये इंसिडेंट जो है हुआ था तो जब हम पोएम पढ़ेंगे आपको लोगों को ईज़िली समझ आ जाए कि इसमें जो है जो पॉइट है, है वो क्या कहना चाह रहे हैं फिर इसके बाद पोएम ट्रांसलेशन की तरफ़ जाते हैं सो वम ट्रांसलेशन वी मेट द ब्रिटिश इन द डेड ऑफ विंटर द स्काई वॉज लेवेंडर देखो मीटिंग द ब्रिटिश इससे हमें एक चीज़ का पता चल गया है कि ब्रिटिश जो है रूलर है मीन्स ब्रिटिश जो है रूल कर रहे हैं और रूल किस पर कर रहे हैं आयरिश पीपल पर सो दे वी मेट द ब्रिटिश इन द डेड ऑफ़ विंटर इस लाइन का मतलब है हम ब्रिटिश से मिलें इन द डेड ऑफ़ विंटर मतलब एक्सट्रीम विंटर में एक शदीद किस्म की सर्दी थी उसमें डेड ऑफ़ विंटर मीन्स आखिर का आखिरी स्टेज फिर उसके बाद दे द स्काई वाज लेवेंडर और आसमान जो था लेवेंडर कलर का था लेवेंडर मीन्स रेड एंड ब्लू कलर का जो मिक्सचर होता है उसको हम लेवेंडर कहते हैं एंड थर्ड लाइन एंड द स्नो लिवेंडर ब्लू और स्नो जो है लिवेंडर ब्लू कलर का है यह हो चुका है उसके बाद आई कूड एयर एयर फार बिलो द साउंड ऑफ टू स्ट्रीम्स कमिंग टुगेदर बोथवर फ्रोज़न ओवर देखो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ब्रिटिश से मिले थे सख्त सर्दी में और वो जब मिले थे ऐसा लग रहा था जैसे नीचे से आवाज़ें आ रही हैं कहने का मतलब पहाड़ी इलाकों से आवाज़ें आ रही है और पॉइंट कहता है कि जैसे दो नदियों की आवाज़ें आ रही है और वो दोनों नदियाँ जो हैं जमी हुई हैं मतलब आपस में मिलकर इनकी आवाज़ें जमी हुई नदियों से एंड नो लेस स्ट्रेंज माई सेल्फ कॉलिंग आउट इन फ्रेंच अक्रॉस दैट फॉरेस्ट क्लेरिंग नीदर जनरल जैफरी एमहेर्स्ट नोकर्नर हैंनरी बखेट कुड स्टमक आवर विलो टबेको इन सब लाइन्स का मतलब है और फ्रेंच में बात कर रहे हैं मीन्स ये जो लोग हैं आपस में जो मिल रहे हैं वो सारे जो है फ्रेंच में बात कर रहे हैं मतलब फॉरेस्ट में मीटिंग हो रही है और उन्हें फ्रेंच में बुला बुला रहे हैं मीन उन्हें इशारा कर रहे हैं और दोनों की जो दोनों के सोर्सेज हैं और एक जनरल हैं और एक कर्नल हैं दोनों ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और एक वॉर हुई थी पोनेटेक वॉर 1763 के आसपास नॉर्थ मींस एंड दे बोथ सर्वड इन नॉर्थ अमेरिका और ये दोनों जो जनरल और कर्नल थे इन्होंने सर्विस दी थी अपनी नॉर्थ अमेरिका में और जो दूसरा ग्रुप है आयरिश पीपल का उनको फ्रेंच में आवाज़ें दे रहे हैं और विलो एक दरख्त है और विलो टबेको जो है ये किस्म मीन एक किस्म की टबेको है और वो टबेको हज़म करने के काबिल नहीं थी एंड द फ्रेज ऑफ विलो टोबेको क्लैरिफाइज दैट द स्पीकर इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ नेटिव अमेरिकन ट्राइब एज फॉर द दिनयूजल सेंट द कर्नल शॉक आउट हिज हैंड इन लाइंस का मतलब है रुमाल हिला रहा है सॉरी शेक आउट हिज हैंड खेरछेप रुमाल हिला रहा है और खुशबू थी टोबेको की और उसके बाद कर्नल दूर से जो है हाथ कर्नल ने दूर से हाथ हिलाया और लेवेंडर एक फूल भी है लेवेंडर एक कलर भी है और एक फूल भी है और कलर भी मतलब शेक कर रहा है अमन का प्रिटेंड कर रहा है अमन का जो एक बहाना कर रहा है अपने जब हाथ को हिला रहा हो जब उधर से अपने आप को हाथ अपना हाथ हिला रहा होता है तो ये परिठेंट करता है अमन का मीन्स एक बहाना करता है ये अमन को शो करने की कोशिश कर रहा है बट ऐसा कुछ नहीं था जस्ट वो हाथ हिला रहा था सो जो आयरिश पीपल थे वो ये समझ रहे थे कि ये जो है अमन चाहते हैं मीन्स एक बट उनका जो मेन परपज था वो सिर्फ अमन का परिठेंट कर रहे थे जो ब्रिटिश थे वो सिर्फ अमन का प्रिटेंड कर रहे थे फिर उसके बाद ये जो अगले दो लाइंस हैं ये जो है फ्रेंच लैंग्वेज के हैं so सो इनका मतलब ये है कि इट इज़ लिवेंडर अ फ्लावर पर्पल्स एज दे फिर लास्ट जो आखिरी दो लाइन है दे गेव अस सिक्स फिश हॉक्स एंड टू ब्लैंकेट्स एम्ब्रॉडर विद स्मॉल फॉक्स और उन्होंने हमें फिश हुक्स दिए किसने ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ये फिश हुक किसने दिए थे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने फिश हुक का मतलब है कि उन्होंने मीन्स फिश हुक का मतलब है कि उन्होंने जाल बिछाई उन्हें पकड़ने के लिए और दो ब्लैंकेट्स भी दिए पॉइट ने एल्यूजन इस्तेमाल किया है एल्यूजन से क्या मतलब एलुजन का मतलब है कि पासिंग रेफरेंस और इनडायरेक्ट मेंशन एलुजन का मतलब ये है अब पॉइट ने यहाँ पे एलुजन का इस्तेमाल किया है स्मॉल फॉक्स का ये ब्लैंकेट जो थे स्मॉल फॉक्स के ये ब्लैंकेट्स जो थे स्मॉल फॉक्स से इन्फेक्ट थे मींस जो ब्लैंकेट इन्हें दिए जा रहे थे जो ब्लैंकेट इन्हें दिए जा रहे थे वो क्या थे वो जो थे इन्फेक्ट थे स्मॉल फॉक्स से तो ये एक वन काइंड ऑफ डिज़ीज़ है आ डिज़ीज़ बाई फेवर एंड वीकनेस एंड स्किन एरेपशन विध फस्टूल दैट फ्राम स्कर्ब्स डेट क्लव ऑफ लिविंग स्कीयर्स देखो हम सोच रहे थे अमन की बात होगी बट ऐसा कुछ नहीं था इस जनरल और कर्नल ने ब्लैंकेट्स जो इन्फेक्ट ब्लैंकेट्स थे वो तकसीम किए थे और इनके खिलाफ फिर कार्रवाई भी हुई थी सो ये एक पोस्ट क्लोनालिज़म पोम है इस पोएम में पॉइट ने पॉन्टेक वॉर की बात की है ये एक वार हुई थी उसकी बात की पॉइंट ने उसके बाद इसके थीम की अगर बात करें तो जो पहला पॉइंट है दैट्स अबाउट कॉलोनाइजेशन, ऑपरेशन मींस एक जुलम था इसमें बिटरनेस हिस्ट्री थी इवेंट्स वॉर स्मॉल पॉक्स डिसी आइडेंटिटीज और सिंबल symbol, सिंबलिज्म की बात करें तो स्काई ब्लैंकेट्स, लिवेंडर हैंड एंड मैनी मोर सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल और मैंने कोशिश आप को की आप लोगों को समझाने की सो आई होप समझ आई होगी अगर पसंद आई है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर ऑफ़ ऑफ़र्स